अस्सलाम वालेकुम, हाय, हेलो, वेलकम टू हाल बेहाल। तो हाल बेहाल आपके लिए लेके आया है फ्रॉड ड्रामे का रिव्यू। एपिसोड नंबर 1 से लेके 5 तक हम इस ड्रामे को डिस्कस करेंगे और 6 एपिसोड के बारे में भी हम बहुत कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ, जैसे कि आपको पता है, मेरे हर रिव्यू में कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं उस ड्रामा या फिल्म को लेकर, तो इस ड्रामे के भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इस रिव्यू के एंड में। तो चलते हैं फौरन से पहले स्टोरी की तरफ। अब स्टोरी में ऐसा है कि इस ड्रामे में आपको दो स्टोरी लाइन्स मिलेंगी, एक जो है वो एहसान खान और सबा कमर की जो स्टोरी है, ठीक है, और साथ में दूसरी स्टोरी जो है मेघा जुल्फिकार की जो स्टोरी है ना। अब ये दो स्टोरीज जो है ना, ये इस ड्रामे को लेकर आगे चलेंगी, ठीक है। और ये दोनों स्टोरीज अगर मैं आपको बता दूं, आपने डॉली की डॉली मूवी अगर देखी हो तो उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली आपको ये स्टोरी मिल जाएगी कि वहाँ पे जो है कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि दूसरों से शादी करने के बहाने उनका सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। लेकिन उस फिल्म में ये था कि उसमें लड़की जो है इस रोल को प्ले करती है, लेकिन इस ड्रामे में जो है वो लड़के का कैरेक्टर है जिसे एहसान खान कर रहा है। और साथ में आपने धड़कन मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की और सुनील शेट्टी की, उसमें जो अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है ना, एक बहुत अमीर सा लड़का होता है और उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन होती है जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, इज्जत देता है, जिसकी वजह से रिश्ते की लाइफ को ठीक से निभा नहीं पाता। तो इस ड्रामे में जो मिकाल जुल्फिकार का जो कैरेक्टर है वो धड़कन मूवी में जो अक्षय का कैरेक्टर था एग्जैक्टली तो आप नहीं कह सकते, थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन उसके बावजूद जो मेन जो इसमें स्टोरी है ना वो फ्रॉड की, वो इसी स्टोरी पे है एहसान खान की। साथ में जो दूसरी स्टोरी है जो मैंने आपको बताया धड़कन मूवी वाली, जो है वो सपोर्टिंग आप स्टोरी कह सकते हो इसमें। अब स्टोरी में क्या होता है, एक बेचारा बाप, गरीब बाप, लेक्चरर बाप, यार ये तो मुझे देखो ना बड़ी तकलीफ होती है इस बात से कि हमेशा पाकिस्तानी ड्रामों में जो है ना इनकी क्या मेंटालिटी है, यहाँ पे जो एक गवर्नमेंट जॉब वाला होता है या एक जैसे भी जॉब करता है ना वो, चाहे उसकी बहुत अच्छी सैलरी हो, उसके पास गाड़ी हो, उसका अपना घर हो, लेकिन उससे यार एक मिडिल क्लास से भी ज्यादा नीचे गिराया जाता है। तो इस ड्रामे में लड़की का जो गरीब अब्बा जान है ना, उसकी ख्वाहिश होती है कि यार मेरी जो बेटियां हैं ना वो अमीर घरों में जाकर रहें, उनकी शादियां इतने बड़े बड़े लोगों के साथ हो जाए जो बिजनेस टाइकून्स हों, कि जिनके आस पास नौकर चाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां और बहुत पैसा और बहुत रुतबा सब कुछ उनको मिल जाए। अब आप समझो यार इस बात को, इस ड्रामे में जो है ना इस गरीब बंदे को जो है ना एक लालची बंदा भी दिखा दिया है कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी में तो कुछ नहीं कमाया, ठीक है, अब वो अपनी बेटियों के सर पर पैर रख कर और वो बड़े खानदानों में घुसना चाहता है, एक लालची इंसान दिखाया गया इसको। और साथ साथ ही इस ड्रामे में जो है वो ऑनलाइन रिश्ते को भी प्रमोट किया गया है बहुत ज्यादा, और आप बेहतर जानते हो कि उसकी क्या वजह है। लेकिन इसी दौरान जो है ना वो इसके बांजे का रिश्ता आ जाता है सबा कमर के लिए, लेकिन यार अब्बा जान है, अब उसका दिल भी कर रहा है कि बेटियों की शादी जो है बड़े घर में हो, तो वो उससे बहुत सारी बातें करता है कि यार तुम जो है ना मेरी बेटी की ख्वाहिशात पूरे नहीं कर पाओगे। अब वो अपनी मिसाल भी देता है कि मेरी वजह से देखो आज तक मेरी वाइफ ने अपनी ख्वाहिशात को दबा के रखा, आज तक उसकी ख्वाहिशात मैं पूरी नहीं कर सका, लिहाजा ये रिश्ता जो है ये नहीं हो सकता और तुम लोग मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मत मांगो। तो वो लड़का एक ट्राई और मार लेता है, कहता है कि नहीं मुझे आपकी बेटी वाकई में बहुत पसंद है। तो लड़की का जो अब्बा जान होता है अब वो इसे देखता है और कहता है कि बेटा पसंद तो चांद भी होता है ना इंसान को, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि चांद भी लेके आओ अपने लिए, तो मैं नहीं दे सकता रिश्ता तुम्हें। अब ये गुर्बत वाली बातें जिनका एहसास लड़की का अब्बा जान उस लड़के को दिलाता है, ठीक है, तो ये लड़का जो है इसकी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं और लड़के की जो अम्मी जी है उसकी भी दिन रात जो है ना वो हराम होके रह जाती है कि हम कितने गरीब हैं यार, हमें कोई रिश्ता भी नहीं दे रहा, हमें अपने सगे भी रिश्ता नहीं दे रहे अब तो। अब अब्बा जी जो है वो रिश्ते की वेबसाइट पे अपनी आईडी बना लेते हैं, अरे वाह, और फौरन से एक ईमेल भी आ जाती है उन्हें कि वो इंटरेस्टेड है इस रिश्ते में। अब इनका तो जैकपॉट लग जाता है, उन्हें रिप्लाई करने की बजाय उन्हें डायरेक्ट कॉल कर देते हैं और जो है वही बातें कि मैं गरीब सा इंसान हूँ, मैं मामूली सी नौकरी करता हूँ और बेटियों का बाप हूँ और साथ साथ में मेरी बेटियाँ बहुत अच्छी हैं, और वो आगे से कहते हैं जी हमें आप जैसे सफेदपोश लोगों की जरूरत है ताकि हम जो है वो अपनी नस्लें संवार सकें, और आपस में इनकी बात जो है वो बन जाती है और ये एक दूसरे को
मिलने की ऑफर करते हैं और फौरन से पहले ये मिठाई खरीद के जो है वो अपने घर पे आ जाते हैं और अपनी फैमिली को एक खुशखबरी देते हैं कि एक बहुत बड़े खानदान से जो है वो रिश्ते की ऑफर आई है। अब जो है ये चले जाते हैं उनकी फैक्ट्री पे, लेकिन वो कहते हैं कि यार मैं तो फैक्ट्री पे नहीं, मैं तो अपने ऑफिस में बैठा हूँ, आप यहाँ पर आ जाओ। तो जाते हैं उनसे मिलते हैं, इन्हें बहुत पसंद आता है उनका ऑफिस और साथ साथ ही उन्हें अपने घर पे इन्वाइट कर देते हैं। और अब जो है आपको यहाँ पर सेकंड स्टोरी भी मिल जाती है जो मैंने आपको बताया था मिकाल जुल्फिकार की, कि वो अपनी जो सौतेली माँ और बहन है ना उनकी वजह से इनकी लड़ाई हो रही होती है आपस में मियाँ बीवी की। लेकिन यहाँ पर अभी तक आपको इस स्टोरी में सब कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा कि इस स्टोरी में जो है वो कौन ज्यादा गलत है और कौन सही है। बजायर तो आपको ये दिखाया गया है कि उसकी वाइफ जो है वो लड़ झगड़ के घर छोड़ के चली जाती है, लेकिन अब जाकर आपको आगे जो है वो ड्रामा में नजर आएगा कि इसकी जो सौतेली माँ और सौतेली बहन है असल में जो है वो यही इनका नेगेटिव कैरेक्टर है, उसके साथ उसकी दौलत की वजह से रहते हैं, बाकी उन्हें इससे कोई हमदर्दी नहीं है। अब हम आ जाते हैं सबा कमर की स्टोरी पर। तो एहसान खान जो है वो अपनी फैमिली के साथ इनके घर पे आ जाता है, देखता है, रिश्ता पसंद आता है और दोनों तरफ से हाँ कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर लड़के के अब्बा जान जो है ना वो कहते हैं कि भाई देखो हमें एक महीने के अंदर अंदर शादी करनी है। अब यहाँ पर जो लड़की के जो पेरेंट्स है ना बेचारे वो थोड़े से घबरा जाते हैं कि यार एक महीने में हम कैसे तैयारियां कर सकते हैं, हम तो हैं ही गरीब लोग। लेकिन यहाँ पर जो लड़के की फैमिली है ना वो कहते हैं कि भाई देखो हमें नाजायज चाहिए, ना आपसे कोई बहुत बड़ी शादी की रस्म चाहिए, हम कुछ बंदे लेके आएंगे, निकाह करेंगे सादगी से और हम लड़की को लेकर चले जाएंगे, आप हमें सोने जैसी बेटी दे रहे हो तो हमें पैसे और दहेज की क्या जरूरत है। ये सारी बातें सुनने के बाद लड़की की जो फैमिली है वो काफी हद तक खुश हो जाती हैं और वो उनके सारे शर्तो शरायत मान जाते हैं। अब लड़के की जो अम्मा जी होती हैं वो यहाँ पर पॉइंट मार देती हैं, कहती हैं जाओ तुम दोनों आपस में बातें करो, तुम यहाँ बैठ के क्या करोगे। जिस पर जो है वो फिर से जो है वो लड़की के जो अब्बा जान होते हैं उनका मुंह छोटा सा हो जाता है, लेकिन वो उन्हें फिर तसल्ली दिलाती है कि मिलना तो होगा, एक दूसरे से बातचीत करनी होगी, अब रिश्ता तो हो गया है, अब मिलने में क्या बुराई है। यहाँ पर फिर वो सोचता है कि यार रईस फैमिली है ठीक है, तो मैं तो हूँ ही गरीब, तो चलो यार जाओ तुम दोनों आपस में बातचीत करो। तो यहाँ पर लड़की की जो अम्मा जी होती है वो अपनी छोटी बेटी को कहती है कि जाओ इन दोनों को अपना घर दिखाओ, ये देखो एक अच्छी बात हो गई ना इसमें। तो खैर ये चले जाते हैं, वो वहाँ पे एक दूसरे के साथ कुछ बातचीत हो जाती है उनकी और आपस में रिश्ता भी हो जाता है, निकाह हो गया, रुखसती हो गई। उसके दो तीन दिन के बाद वो उससे वापस उसकी अम्मी जान के घर छोड़ देता है और बंदा गायब। अब एक दिन तो गुजर जाता है ठीक है, इनकी बातचीत नहीं होती, अगले दिन वो नंबर बंद कर देता है और फिर लड़की का अब्बा जान बेचारा फैक्ट्री जाके देखता है, ऑफिस जाके देखता है, उसे पता चलता है कि ये तो उनका था ही नहीं ठीक है। और फिर उसके बावजूद भी ये लड़की जो है ना ये पॉजिटिव सोचती है कि हो सकता है वो उन्होंने रेंट पे लिया हो, लेकिन ऐसी कोई बात ना हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो पुलिस के पास पहुंच जाता है तो वो उसे कहता है कि इनके खिलाफ बहुत सारे FIRs कट चुके हैं, ये बहुत सी फैमिलीज के साथ ऐसा कर चुके हैं और बहुत से जो गरीब तबके के लोग होते हैं ना वो इस लालच में आकर वो इनसे रिश्ता कर लेते हैं और ये उनका सारा सामान लेकर भाग जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना इस ड्रामे में आपको आगे जाकर नजर आएगा कि सवा कमर का जो कैरेक्टर है ना जो माया का कर रही है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आपको मिलेगा इस ड्रामे में, क्योंकि ये बहुत स्ट्रगल करेगी और लेकिन ये मजबूत रहेगी ठीक है, ये मजबूत कदमी से जो है अपने कैरेक्टर को निभाएगी। अब हम आते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज। अब आप ये देखो यार एक स्टोरी टोटली जो है ना वो गिटो कॉपी है एक फिल्म से और फिर दूसरी फिल्म से भी, अब दो स्टोरीज को एक साथ करके एक ड्रामे में डाल दिया है ठीक है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती यार कि बार बार अपने ड्रामों में ये दिखाना कि एक इंसान जो है अगर वो जॉब करता है, वो लेक्चरर है, वो कुछ भी करता है, किसी भी डिपार्टमेंट में है, वो उसके अपने पास एक गाड़ी है, अपना एक घर है, तो वो इतना जलील क्यों है, उसे हमेशा नेगेटिव क्यों दिखाया जाता है, या तो इतना हेल्पलेस दिखाया जाता है या तो उसे इतना ग्रीडी इतना लालची दिखाया जाता है। और आपको याद होगा बांजे की बेइज्जती इस ड्रामे में क्यों, क्योंकि वो जॉब करता है यार, वो बेचारा जस्ट जॉब करता है, क्या अलग, वो कहता भी है कि मैं पैसे कमाऊंगा, लेकिन फिर वही बात कि तुम कमाते कमाते बूढ़े हो जाओगे। वैसे यार एक बात सच भी है ठीक है, पाकिस्तान में खासकर जो है ना वो जॉब्स की इतनी कोई खास वो नहीं है,
कि आप सिर्फ जॉब करके आप अपनी पूरी फैमिली को संभाल सको, उनकी ख्वाहिशात पूरी कर सको। काफ़ी हद तक इस बात में सच्चाई है, लेकिन बस मेरे कहने का मतलब यह है कि इससे ज़्यादा हाईलाइट ना ही किया जाए तो बेहतर है। बाकी यार देखो, ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइज हुआ है, सबकी एक्टिंग आउट क्लास है, और सबसे बड़ी बात छोटी छोटी स्टोरीज नहीं है, तो बड़ी स्टोरी को लेकर ड्रामा शुरू हुआ है और ये इसी के साथ ही ये ड्रामा चलता रहेगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि यार ये जो जुल्फिकार जो है ना, मिकाल जुल्फिकार, अब इसकी स्टोरी में क्या चेंजेस आते हैं, इसकी जो सौतेली अम्मी और बहन है इनका कैरेक्टर कैसे सामने आएगा सबके, और साथ साथ में जो सबा गमर माया का रोल कर रही है ना, ये किस तरह से खुद को संभाल पाएगी, और इसके जो अब्बा जान है वो किस तरह रिएक्ट करेंगे सारी सिचुएशन को लेकर, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टोरी। इसी के साथ अलविदा कहता हूँ आपको, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू पे। अपना ख्याल रखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो।